हरियाणा के लिए कांग्रेस ने घोषित की गई 8 सीटों में से एक सीट को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मच गया है। यह बवाल मचा है करनाल लोकसभा सीट पर। खरी खरी न्यूज ने आपको 15 दिन पहले बता दिया था कि करनाल सीट पर कांग्रेस की तरफ से डील की जाएगी और सबसे कमजोर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। खरी खरी न्यूज की वो भविष्यवाणी, वो बात सही साबित हुई है और कांग्रेस ने करनाल सीट पर मनोहरलाल खट्टर के सामने सबसे कमजोर प्रत्याशी के तौर पर दीवांशु बुद्धि राजा को चुनावी दंगल में उतार दिया है। आखिर किसने दीवांशु बुद्धि राजा को टिकट दिलाने का काम किया? आखिर कांग्रेस की टिकट बेचने के लिए जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर मेरिट के आधार पर टिकट दी जाती तो टिकट मिलती वीरेंद्र राठौर को, टिकट मिलती भीमसेन मेहता को या टिकट मिलती बुल्ले शाह को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एक ऐसे चेहरे को करनाल सीट पर मनोहरलाल खट्टर के सामने उतार दिया गया है जो करनाल पार्लियामेंट का निवासी ही नहीं है, जो सिर्फ एक नेता का चमचा ही कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मामले में उंगली किसकी तरफ उठ रही है? जाहिर सी बात है, इस सेटिंग के लिए सबसे ज़्यादा सवालिया निशान पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा पर उठ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दीवांशु बुद्धि राजा को टिकट दिलाने में भूपेंद्र हुड्डा का कोई योगदान नहीं है, बल्कि वो वीरेंद्र राठौर को टिकट दिलाने के लिए अपनी सहमति दे चुके थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दीवांशु बुद्धि राजा को टिकट दिलाने में सबसे अहम भूमिका किसकी रही? जी हाँ, कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने जो हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ी पैठ रखता है, जो हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़ी जिम्मेदारी रखता है और हरियाणा की कांग्रेस को चलाने के लिए उनके हाथ में बड़ी पावर है, उन्होंने ही ये सारा खेल खेलने का काम कर दिया है। ये नेताजी गुजरात से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से इन नेता के साथ में बीजेपी की सेटिंग हो गई है और इस सेटिंग के चलते ही दीवांशु बुद्धि राजा को टिकट देने का फैसला लिया गया है। दीवांशु बुद्धि राजा करनाल सीट पर मनोहरलाल खट्टर के सामने किसी भी पैमाने पर नहीं टिकते हैं। जाहिर सी बात है, मनोहरलाल खट्टर को आसानी से चुनाव जितवाने के लिए ही ये टिकट दी गई है, मनोहरलाल खट्टर का रास्ता साफ करने के लिए टिकट दी गई है और मनोहरलाल खट्टर को मनचाहा गिफ्ट कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी दीवांशु बुद्धि राजा की मेरिट की तरफ कोई ध्यान दिए बगैर ही इस डील पर मोहर लगाने का काम कर दिया और उन्हें खट्टर साहब के सामने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का काम कर दिया। दीवांशु बुद्धि राजा हरियाणा कांग्रेस की सीनियर पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं उतरे हैं, वो सिर्फ यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे थे और करनाल की पॉलिटिक्स में उनका ना तो कोई वर्किंग का इतिहास है, ना ही उनका कोई वहाँ से लेना देना है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सवालिया निशान उठने लाजमी थे, सवालिया निशान उठ रहे हैं, कांग्रेस को बेचने के आरोप लग रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को करनाल में बेचने वाला शख्स कौन है, वो शख्सियत कौन है जिसने करनाल सीट पर कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है और जीत की बजाय उसकी हार के ऊपर पहले ही स्टैंप लगाने का काम कर दिया है। ये नेता गुजरात से संबंधित हैं, गुजरात से कनेक्शन है और कहीं ना कहीं गुजरात में ही बड़ी डील हुई है जिसके चलते दीवांशु बुद्धि राजा को मनोहरलाल खट्टर के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया है। दीवांशु बुद्धि राजा के मुकाबले करनाल में सारे के सारे उम्मीदवार भारी पड़ते हैं। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव में 6.5 लाख वोटों से चुनाव हारने वाले कुलदीप शर्मा भी दीवांशु बुद्धि राजा से बेहतर प्रत्याशी कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी माड़े टाइम में मुकाबला करने का साहस दिखाया था। लेकिन दीवांशु बुद्धि राजा को करनाल सीट पर मनोहरलाल खट्टर को टक्कर देने के लिए नहीं, हराने के लिए नहीं, बल्कि जिताने के लिए टिकट दी गई है। और जाहिर सी बात है, ये टिकट मुफ्त में नहीं दी गई है, ये टिकट भाईचारे में नहीं दी गई है, बल्कि ये टिकट एक बड़ी डील के कारण दी गई है, क्योंकि दीवांशु बुद्धि राजा का नाम कहीं पिक्चर में नहीं था और सीईसी की मीटिंग के अंदर भी जब उन नेता ने उनका नाम का प्रस्ताव किया तो साफ तौर पर कह दिया गया कि वो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दीवांशु बुद्धि राजा को मनोहरलाल खट्टर के सामने टिकट दे दी गई, यानी कांग्रेस ने पूर्व सी मनोहरलाल खट्टर की टिकट के सामने, उनकी दावेदारी के सामने एक ऐसी दावेदारी अपनी तरफ से देने का काम किया है जो उनके सामने कहीं नहीं टिकती है, जो उनसे मुकाबला नहीं कर सकती है और लाखों वोट से हार सकती है। यानी कांग्रेस ने मनचाहा गिफ्ट उनको देने का काम किया है।
कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे साफ तौर पर नजर आता है कि मनोहरलाल खट्टर को पूरा फायदा पहुंचाने के लिए ही करनाल सीट पर दिवांशी बुद्धि राजा को टिकट देने का फैसला लिया गया है। यानी करनाल में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं, यानी करनाल में कांग्रेस को बेच दिया गया है और वहां पर कांग्रेस की जीत को गारंटेड कर दिया गया है। करनाल सीट पर दिवांशु बुद्धि राजा की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। करनाल में दिवांशु बुद्धि राजा की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। करनाल सीट पर हुई इस डील के जिम्मेदार नेता के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।